नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल ही में मोहब्बत के नाम पर जमकर सुर्खियां बटोर चुकी सीमा हैदर अब तक खबरों में छाई हुई है। जब ये मामला पहली बार आया तब से मीडिया का तांता सीमा और सचिन के घर के बाहर लगा रहा और सीमा भी बेझिझक होकर मीडिया से मुखर होती रही और सवालों का जवाब देती रही। इस मामले ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि सीमा पर फिल्म तक बन रही है जिसका पोस्टर बहुत पहले ही रिलीज कर दिया गया है। दूसरी ओर मशहूर वकील एपी सिंह कोर्ट में सीमा की ओर से पैरवी कर रहे हैं। इस बीच ध्यान देने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान में सीमा के पति गुलाम हैदर बार बार सीमा के वापस आने की बात करते रहे, वे गुहार लगाते रहे, वे कहते रहे कि मैं मेरी पत्नी और बच्चों के साथ मैं रहना चाहता हूँ। अब इसी बीच खबर ये है कि सीमा के पति गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत में उनके बच्चों से जबरन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत आएंगे और हर हाल में अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएंगे। गुलाम ने कहा कि सीमा ने बच्चों का गलत इस्तेमाल किया है और बच्चों को लेकर पराए मुल्क में बैठ गई है। उन्होंने कहा कि आखिर मैं बच्चों का बाप हूँ और मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि वे सीमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सीमा अच्छी माँ होती तो बच्चे पिता की कद्र करते। अगर वो बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है तो वो मेरे खिलाफ बोलेंगे ही। सीमा अच्छा नहीं कर रही है, अगर उसमें हया और गैरत होती तो एक अनजान और पराए मर्द को बच्चों का पिता न बनाती। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। वो बच्चों से पराए मर्द सचिन की तारीफ करती है और मेरे बारे में गलत बताती है। उसने अपनी माँ बाप की कद्र नहीं की, ना ही उनसे संपर्क करती है और ना कभी पति की हाल खबर लेती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वकील कर लिए हैं, वे जल्द भारत आएंगे और सरकार की इजाजत के साथ पूरे लीगल तरीके से भारत आएंगे। उधर सीमा हैदर भी गुलाम हैदर पर हावी रहने की कोशिश कर रही है और ये कह दिया कि गुलाम के आने का मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं उनके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि वे कानूनी रूप से गुलाम हैदर का मुकाबला करेंगी। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि मामला आगे बढ़ने वाला है। आगे इस मामले में क्या अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।